तो गाइस यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें 90 fps की ऑप्शन अनेबल हो गई है। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो बैलेंस में भी हमें 90 fps, HD में भी हमें 90 fps, HDR में भी 90 fps, और अगर अल्ट्रा HD की बात करूँ तो यहाँ भी हमें 90 fps की ऑप्शन अनेबल देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि आप अल्ट्रा HD में 90 fps से रखकर गेम प्ले कर सकते हो। ये अभी मैंने 90 fps की ऑप्शन किस तरह अनेबल की ये मैं वीडियो में आपको आगे चलकर बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम OnePlus Note 2 में PUBG BGMI में 90 fps को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें 90 fps में क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। गाइस, अगर मैं OnePlus Note 2 के प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें हमें Dimensity का 1200 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस, मैंने एक्चुअली में OnePlus Note 2 की फुल अनबॉक्सिंग एंड PUBG रिव्यू पहले कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में दोस्तों, इस डिवाइस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट नॉर्मली इस डिवाइस से रिलेटेड मैंने सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको OnePlus Note 2 के बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि हमें Dimensity के 1200 प्रोसेसर में इसमें क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा और एक्सट्रीम तक की फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि स्मूथ में हमें 60 fps देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर बैलेंस की बात करूँ तो बैलेंस में हमें अल्ट्रा, HD में हमें अल्ट्रा, HDR में हमें अल्ट्रा, अल्ट्रा HD के लिए ये अभी अवेलेबल नहीं है। फिलहाल हमें इसमें बाय डिफॉल्ट स्मूथ में एक्सट्रीम की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, हमें इसमें कोई भी 90 fps की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसमें हम 90 fps की फाइल को इनेबल कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने OnePlus Note 2 में 90 fps की ऑप्शन को अनेबल करने के लिए GFX Tool for BGMI एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें 90 fps की ऑप्शन अनेबल देखने के लिए मिल जाती है या नहीं। तो उसके लिए हम फिर से वहीं जाएंगे ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में हमें 90 fps की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो बैलेंस में भी हमें 90 fps, HD में भी हमें 90 fps, HDR में भी हमें 90 fps की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि आप स्मूथ प्लस 90 fps का गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्मूथ प्लस 90 fps में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग के टाइम कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Thank you.
पार्टी वाले रहते हैं। Mark. Marked a location. Marked a location.